नमस्कार मित्रों, जय माता दी, संकट मोचन, जय महाबली। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में दो बाद ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप हो जाइए सावधान, और आज की इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में ही देखना। कमरा बिल्कुल खाली हो तभी आज की इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे मित्रों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में जो होने वाला है, सुनकर आप पूरे 51 किलो मिठाई बातों के, वह भी पूरे गांव मोहल्ले में। जी हाँ, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। अब आपकी जिंदगी पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस समय अवधि में इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाला है कि सुनकर लंगड़ा लुल्हा भी एक पैर पर नाचने लगेंगे, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में। अगर आप इस ग्रह गोचर का सही से अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोस्तों, आपकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हां, क्योंकि अंतरिक्ष के ग्रह गोचर आपको वह चीज देने वाले हैं, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा और कुछ गलतियों को अपने जीवन काल में करने से बचना होगा। जी हां, और अगर आप इन गलतियों को करने से बच जाओगे तो दोस्तों, आप आने वाले समय में राजा बन जाओगे। जी हां दोस्तों, और हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप संकट मोचन वीर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन, जय महाबली जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संकट मोचन वीर महाबली जी के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी की एक नई रूपरेखा बनने वाली है, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हां, संकट मोचन वीर महाबली जी के आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि अगले 24 घंटे के भीतर कौन कौन से बड़े चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से हमने आज की इस वीडियो में बताया है। बस आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आने वाले समय में आपके जीवन में जो बड़ी घटना घटने वाला है, सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हां, लेकिन ध्यान रहे जो महत्वपूर्ण बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। एकदम शांति मन से वीडियो देखना और इन सभी बातों को आप अपने ही अंदर तक सीमित रखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ी घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है, यह घटना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से 5 बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां, साथ ही साथ 5 बहुत बड़ा सरप्राइज भी आपको मिलेगा, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि एक साथ 10 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे तक यह बड़ी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, कभी कभार हम लोगों से जाने अनजाने में वह गलतियां हो जाती है जिन गलतियों को हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, गलती तो गलती ही होती है, चाहे जानबूझकर करें या फिर अनजाने में करें, और जब गलती हो जाती है तो सजा मिलकर ही रहता है। तो कौन कौन सी गलतियां अगले 24 घंटे तक आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है, इसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे और विस्तार से बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय अवधि में कौन कौन से ऐसे योग का निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रही है जिससे आपको 10 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय अवधि में आपकी राशि वालों के कुंडली में गज केसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और दो राज योग बन चुका है और यह तीनों बड़े ग्रह आपके पूरे 10 बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटे के भीतर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि गज केसरी योग बनने से आपको ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान श्री हरि गणेश जी धन ज्ञान बुद्धि सुख समृद्धि के दाता है, तो यह सब अब आपको अपने जीवन काल में भरपूर मिलने वाला है। जी हाँ, अब आपके कामों में भी सफलता मिलेगी, सोचे हुए काम भी आपका समय पर पूरे होंगे, रुका हुआ धन भी, फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, ये योग अब आपको मालिक बना देंगे, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी और ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से अब आपको संसार की सभी प्रकार की खुशियां मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले समय अवधि में आप जितना ज्यादा दुख झेले हैं उतना ही ज्यादा सुख अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही लकी समय रहने वाला है। ने जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 8 सालों से आप केवल लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फल की प्राप्ति आज तक आपको नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर दो बड़े देवता मेहरबान हो चुके हैं, संकट मोचन वीर हनुमान जी और ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी। अब आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है, और फल कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है कि आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा, आप खुद पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ, और आप अगले 7 जन्मों तक बैठकर खाओगे फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा, एक प्रकार से यूं समझ लो कि आपको लॉटरी लगी हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक भी बात गलत नहीं होगी, अगर मेरी बताई गई 1% गलत हो गया तो दोस्तों मैं पूरे 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। जी हाँ, अब आपके जीवन में केवल खुशियां आने वाली हैं, केवल लाभ ही लाभ होने वाला है। जी हाँ, कल सुबह आंख खुलते ही आपके जीवन में खुशखबरी का आगमन होने लगेगा। जी हाँ, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे संकट मोचन वीर हनुमान जी और भगवान श्री गणेश जी, क्योंकि दो बड़े देवता का आगमन आपके घर हो चुका है और अब यह दोनों देवता मिलकर आपकी हर एक आंसुओं का हिसाब किताब करने वाले हैं। अब आपका दुश्मन घर द्वार छोड़कर भागने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आपके दुश्मनों को टक्कर देने के लिए एक बड़े देवता आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। अब आपके दुश्मनों को किए की सजा मिलने वाली है, अब आपके दुश्मनों को कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है और आप उन सभी सीमाओं को पार कर चुके हैं, और अब वह समय आ चुका है जब आप अपने दुश्मनों के छाती पर चढ़कर राज करोगे, क्योंकि आपका समय आ चुका है। जिंदगी अब आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो मेरा कहना मानी है, और यह को पूरा अंत तक देखिए। भगवान संकटमोचन वीर हनुमान जी और भगवान श्री गणेश जी आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। जी हां दोस्तों, आप पिछले काफी समय से काफी बड़ी बड़ी परेशानियों से मुकाबला करते आ रहे हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतों से, मुश्किलों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है यह परेशानियां और यह मुश्किलें आपके जीवन में किस वजह से आ रही हैं? कोई ना कोई वजह तो जरूर है, वरना ऐसा आपके साथ कभी नहीं होता। दोस्तों, परेशानियां तो सभी के जीवन में है, लेकिन किसी के जीवन में ज्यादा परेशानी है तो किसी के जीवन में कम परेशानी है, लेकिन है सभी के जीवन में। अगर आप अपने जीवन काल में परेशानियों से तंग आ गए हैं, हर रोज आपके जीवन में एक नई मुसीबत खड़ी होती रहती है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के उस पत्ते पर राम नाम लिखकर, चंदन या फिर कुमकुम से आप राम नाम लिखकर और फिर उसे पेट के ऊपर एक सुपारी और एक कपूर रखकर आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन ही करें। जी हां, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। जी हां, आपकी सभी परेशानियां प्रभु श्री राम जी दूर कर देंगे, और यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है,
कामों में आपको सफलता नहीं मिलती है तो शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर में या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले और बिना पलटे यानी कि पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है और फिर वापस अपनी घर पर आ जाना है। विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें। जैसे ही कोई व्यक्ति उसे ताले को खुलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। जी हां दोस्तों, यह उपाय बहुत ही छोटा है, लेकिन अपनी किस्मत को चमकाने के लिए इस उपाय को आप एक बार अवश्य आजमा कर देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपकी किस्मत चमक जाएगी। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अंत तक देखिएगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सबसे बड़ी अद्भुत घटना आपकी कुंडली में होने वाला है। आखिर वही हुआ जो आप चाहते थे। दोस्तों, वीर बालाजी महाराज जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी साथ बड़ी बड़ी इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, एक भी बात को मजाक समझने की गलती मत करना। जो मजाक समझने की गलती करेगा वह आगे जाकर बहुत पछताएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो खेल शुरू होने वाला है, ऐसा खेल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जी हां, ना ही कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। इस तरह के खेल आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो खेल होने वाला है, ये खेल पूरे 50 साल बाद हो रहा है। दोस्तों, स्वयं वीर बालाजी महाराज जी ने कर दिया है आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार। जीवन का असली सुख बेटा अब तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम समय रहते इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और सभी बातों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो फिर देखना आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता है। दोस्तों, आपको एक काम कर लेना है, फिर देखिएगा तूफान से भी तेज दौड़ने लगेगी आपकी किस्मत। आपके अगल बगल की सब लोग देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि सबके पसीने छूटने लगेंगे। ऐसा तांडव और ऐसा महाखेल आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में जो परेशानी है, जो दुख तकलीफ है, वह सब दूर कर देंगे वीर बालाजी महाराज। क्योंकि अब आपके जीवन में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल देवता का चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि आज की वीडियो को बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि वीर बालाजी महाराज आपके ऊपर हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न, बहुत ही ज्यादा मेहरबान। अब आपको शुभ फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो होने वाला है, देखकर आपके होश और हवास दोनों उड़ने वाले हैं। इसलिए अपने दिमाग को एकदम शांत करके और अकेले में ही देखना, क्योंकि वीर बालाजी महाराज अब आपको वह खुशखबरी देने वाले हैं। वह बड़े चमत्कार करने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा, क्योंकि वीर बालाजी महाराज जी ने आपके लिए खोल दिए हैं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा। जी हां दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाए, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को बिना स्कीम किए, बिना काटे, तभी आप वीडियो में बताई गई सभी जानकारियों को समझ पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि अब आपको सफलता के रास्ते में कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाली है। बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति, बड़े बड़े धन लाभ, बड़े बड़े मुकाम, नए कार्य, व्यवसाय, व्यापार, रोजी रोजगार, सभी चीजों में सफलता मिलने वाली है। बहुत ही खूबसूरत समय आपके जीवन में आने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर स्वयं वीर बालाजी महाराज एक मानव के रूप में आपके घर में आएंगे। जी हां, और उनका शुभ कदम, शुभ पैर आपके घर में पड़ते ही आपका घर बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। जी हां, स्वर्ग की वह खुशी आपके घर में आने लगेगी, जो सुख स्वर्ग में मिलता है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर भगवान वीर बालाजी महाराज जी का बहुत बड़ा चमत्कार होगा। दोस्तों, इतना कहने के बावजूद भी अगर आप इस शुभ संकेत को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ और महामूर्ख पूरी दुनिया में नहीं होगी। जी हां, बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर खुशखबरी सुनकर आप सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करोगे, ऊपर वाले भगवान को शुक्रिया अदा करोगे। वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि की आधार पर निर्माण किया गया है, इसलिए आप थोड़ा सा समय निकालकर
इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले माता रानी और वीर बालाजी महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, फिर सभी लोग सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय माता दी, जय वीर बालाजी महाराज अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी और वीर बालाजी महाराज आपकी बिगड़ी किस्मत संवार देंगे। दोस्तों, अब आप हो जाओ तैयार, क्योंकि जगत के पालनहार, जगत के सर्वशक्तिमान वीर बालाजी महाराज जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अचानक से ग्रह गोचर में बहुत बड़ा उलट फेर होने के कारण आपके जीवन में खुशियों की घंटी बजाने वाली है। क्या मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अगले 24 घंटे के भीतर ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, सुनकर आपके तन बदन में आग दौड़ने लगेगी। जी हां, आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी मिलेगी, कौन से बड़े सरप्राइज मिलेंगे और कौन से चमत्कार होगी, अगर आप जानना चाहते हैं, इन सभी जानकारी से आप अभी तक वंचित हैं, तो फिर आज की यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप यह खुशखबरी पाना चाहते हैं, इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो दोस्तों बता दे, भगवान वीर बालाजी महाराज जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के भीतर आपको बहुत बड़ा अमानत मिलने वाला है। जी हां, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ लगने वाली है। दोस्तों, अब आपको लाभ ही लाभ होने वाले हैं, अब आपके पास मौके ही मौके आने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक भी मौका हाथ से जाने ना पाए। दोस्तों, जो आज की है वीडियो अंत तक देखेंगे वही पाएंगे, और बाकी सब पछताते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ही भाग्यशाली वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, ऊपर वाले ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आ चुका है। दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई दोहराव नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि कर्म हमेशा सोच समझ कर ही करना और उसके परिणाम के बारे में सबसे पहले जान लेना। लोग मेहनत इतनी खामोशी से करता है कि सफलता शोर मचा देती है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जो कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। जी हां, अब आप सोने के महल में राज करोगे। जी हां दोस्तों, उम्मीद के दिए जलने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यह हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी का नारा प्रेम से लगा दीजिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े अधूरे कार्य बनने लगेंगे, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर स्वयं परमात्मा आपके घर लेकर आने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपको एक साथ 2 बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। वीडियो को सबसे छुपाकर एकदम अकेले में ही देखना, क्योंकि आज तुम्हें जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है इससे तुम एकदम मालामाल हो जाओगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, आपके अंदर खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाली है। एक प्रकार से यूं कहें कि जिस खुशियों का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस खुशियों का आपको काफी लंबे समय से तलाश थी, वही खुशखबरी ईश्वर अब आपको देने वाले हैं। बस सावधान हो जाइए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको इसी वीडियो के अंदर वह सारी सच्चाई बताने वाले हैं, वह सभी छुपे हुए राज के बारे में बताने वाले हैं, जिन छुपे हुए राजों के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं और ना ही किसी ने ये राज के बात आपको बताया होगा। दोस्तों, अब आपकी उम्मीदों की दिए जलने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि यदि यह आकाशवाणी 1% गलत हो गया तो दोस्तों मैं तुरंत 865,000 का जुर्माना दूंगा, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी एकदम पत्थर की लकीर होती है।
एक बार मैं जो बोल देता हूं वह होकर ही रहता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपकी किस्मत की नए दरवाजे खुल रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के विशेष कृपा आपके ऊपर हो रही है। अब आपके जीवन से सभी अंधेरा दूर होने वाला है और आपके जीवन में खुशियों की दीपक जलने वाली है। जी हां दोस्तों, बस कुछ ही समय की बात है, फिर आप देखते जाना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी, क्योंकि अब आप धन दौलत से मालामाल होने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको अपने हाथों से देने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी वीडियो, बहुत ही खास वीडियो है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी ना ही स्किप करना और ना ही मिस करना, क्योंकि इतना खास वीडियो अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे और मिस करेंगे तो दोस्तों बाद में आप बहुत पछताएंगे। भगवान ने यह मौका आपको दिया है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ प्रगति करने का, तरक्की करने का, इसलिए इस मौके का लाभ उठा लो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिलोक के स्वामी देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप खुशखबरी सुनकर खुशी से नाचने लग जाओगे, खुशी से झूमने लग जाओगे, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, क्या क्या लाभ होगा और क्या क्या तरक्की करोगे, यह सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो में हमारे साथ एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, कहने का सीधा तात्पर्य है कि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अगले 24 घंटे के अंदर आपको देने वाले हैं दो बहुत बड़ी गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, किस्मत का निराला खेल शुरू हो चुका है, अब आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बड़े बड़े लाभ होंगे, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, अब आप नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं और सभी कार्यों में सफलता भी मिलेगी। दोस्तों इतना अच्छा और भाग्यशाली समय बार बार आपके जीवन में नहीं आएगा। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, अब आपकी किस्मत के बंद सभी दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद के नए दिए जल चुके हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के बाद से आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा, आपके जीवन का एक नए निर्माण होने वाला है। दोस्तों समय बहुत ही कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है, अचानक आपका भाग्य चमकने वाला है, पर यह बड़ी खुशखबरी आपको मिलकर ही रहेगी। जी हां आज आपका मूड बदलता रहेगा, आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति को कैसे बदलें। आपके इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे भी उलझन में रहेंगे, फिर भी किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहें, क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। आज सब चीजों को हल्के में लें और खुद को बस निरीक्षक की भूमिका तक सीमित रखें। आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, आज का दिन बाहर के कार्यों को करने के लिए काफी उपयुक्त है, खासकर आज प्रतिस्पर्धी खेलों में काफी अच्छा करने वाले हो, लेकिन अगर आप अपने शरीर से उसकी क्षमता से अधिक काम लेंगे तो आपको मानसिक थकान भी महसूस होगी जो आपको सामान्यतः कभी नहीं होती। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति अत्यंत उत्तम है, आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आ गई दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाए हैं, केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में न लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने खुद में कितना सुधार कर लिया है। आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना न करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भद्दहास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहां तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, अतः इसे आप दूर रहने का प्रयास करें। आपको आगे बढ़ने से बहुत से अवसर मिलेंगे,
लेकिन उन सबको हासिल करने की जल्दी में ना रहें। अपने सभी विकल्पों को ध्यान से सोच समझकर ही आगे बढ़ें। अपने दोस्तों के साथ भी बांटें। यह ऐसा समय होगा जब आपको कई प्रयास करने होंगे। सब कुछ भाग्य पर ना छोड़ दें। आपके कार्य ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका बनी हुई है। आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है। आपको संक्रमण भी हो सकते हैं, इसीलिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज ही रखें। आपको मुंहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएंगे। एक ऐसे रिश्ते को आगे की तरफ सिर्फ इसीलिए खींचना बेकार है क्योंकि वो काफी लंबे समय से है। आप अनिश्चितता और मानसिक अस्थिरता के कारण थोड़ा उदास रह सकते हैं। अपने आप को दोषी महसूस न करें। ऐसे रिश्ते के साथ चिपकना बेकार था। आगे बढ़े, अपने मन को स्थिर और मजबूत करें। अगर आप अपने को मजबूत बना लें तो आप इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक कैरियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन ये दिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। एक रास्ता आपको अच्छी ना लगती, इससे आप बोर अनुभव करते हैं। आज आप काफी खुश और फ्लर्ट वाले मूड में होंगे। अपनी दिनचर्या बदलें, इसमें फिटनेस को जगह दें। किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। ऑफिस में नई पहचान बनेगी। कुल मिलकर दिन हल्का फुल्का गुजरेगा, काम कम रहेगा। आप सकारात्मकता के स्रोत बने रहेंगे। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें, पानी भी खूब पिए। आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा, जिसके पीछे उसके तर्क भी अजीब होंगे। यह समय एक्सपेरिमेंट और कुछ रोमांचक कामों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है, आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपनी अति गंभीर प्रवृत्ति को छोड़ कर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजें आई हैं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की की मजबूत नींव पड़ ढहेगी। इन सबके बीच खुद को तरोताजा करना और खुश रखना न भूलें। आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहा है, इसी से आप पर बुरा असर पड़ डीडीएच रहा है। अपने संबंधों को भी कुछ समय दें और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एकदम से किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें या अपने रिश्ते में गलतफहमी पैदा न होने दें। रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी लाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके इस रिश्ते पर अविश्वास के बादल छाए हुए हैं। आज धन में वृद्धि का योग बना हुआ है और आज कोई नया व्यापार खड़ा करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, चाहे पार्टनर में हो या फिर सिंगल हो। साथ ही आज विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। आज के दिन धार्मिक कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके जीवन साथी के साथ भागदौड़ बनी रहेगी, उनका साथ मिलेगा, कुछ भागीदारी में काम करते हैं,
जीवन साथी से तो लाभदायक रहेगा, साथ ही आज कुछ महत्वपूर्ण साज सामान की खरीदारी करते नजर आएंगे। आर्थिक लाभ हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ होगा आज के दिन, और आज कुछ सोने और पीतल के व्यापारियों को आज विशेष लाभ हो सकता है, यानी कि फायदा हो सकता है। दांपत्य जीवन में खुशी होगी, संतान की प्राप्ति होगी, जीवन में एक नया मेहमान आ सकता है। आज के दिन मांगलिक कोई धार्मिक कार्य हो सकते हैं। आज के दिन साथ किसी बच्चे का जन्म भी हो सकता है आपके घर में, और आज किसी से धन का लेन देन करने से बचना होगा, कर्ज लेने से बचना होगा, पुराने कर्ज को चुकता करते नजर आएंगे। पुरानी परंपरा से हटकर आज विशेष कार्य करें, लाभदायक रहेगा। किसी के कहने पर कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें, पुरानी बातों को ज्यादा सोचे ना, नहीं तो दिल से ना लगाए, नहीं तो मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन या फिर काम का प्रेशर दबाव थोड़ा सा दिखेगा। आज के दिन इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज आपके लव पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर बनाने की कोशिश करेंगे। जो गलत फहम थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो तनाव था, उसे दूर करने का प्रयास करें। एक दूसरे का जो समय है, काफी अच्छा समय देने में आज कोशिश करेंगे। एक दूसरे के साथ उठने बैठने का प्रयास करेंगे, बोलने चालने का, जो कि अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज जो घर में सुल नहीं था, जो अनसुलझे मुद्दे जमीन प्रॉपर्टी को लेकर थे, वो सुलते हुए नजर आएंगे। दांपत्य जीवन में खुशी होगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, क्योंकि एक नए मेहमान का आंगन होगा जिससे घर में खुशी का वातावरण दिखेगा। आज वैवाहिक जीवन जो जीवन साथी है वह आपका सहयोग करेंगे। आज विशेषकर किसी धन प्राप्ति के योग बनेंगे उनके द्वारा, और आज धन आने का नया मार्ग भी खुलेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से विशेष लाभ होगा, और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, आज आपको धन में इजाफा का योग बना हुआ है। व्यवसाय करते हैं तो चार चांद लगेगा, स्टूडेंट है तो आज शानदार रहेगा। पढ़ाई पर फोकस करें, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आज आपको लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, अजातकों के विवाह के लिए चर्चा करने का आज के दिन बढ़िया योग है। लेन देन करने से बचे, यात्रा करने से बचे। हालांकि यात्रा होगी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उठना बैठना रहेगा, और आज जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, रियल स्टेट में लाभ होगा, तो वही बिजनेस में कोई डील फाइनल होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी बैंक से, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, लोन वगैरह भी मिलेगा। लिखा पढ़ी करते समय सावधानी बरते, और आज माता पिता के साथ संबंध में मजबूती आएगी। पिता का सहयोग तो वही माता के सेहत में सुधार होगा। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर में आज सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति आज आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, और आज धन लाभ का योग बन रहा है, इसके लिए तैयार रहिएगा, और मन में जो नकारात्मक विचार है उनसे बाहर निकलेंगे। किसी भी तरह से आज नकारात्मक विचार आप यानी कि अपने अंदर ना आने दें। हालांकि किसी की बात आज बुरी लग सकती है तो थोड़ा सा यहां पर धैर्य से काम ले, सब्र से काम ले, आज होश हवास से काम ले, क्रोध बिल्कुल ना करें, एग्रेसिव मोड में बिल्कुल ना रहे तो सारे कार्य बन जाएंगे। आज के दिन किसी की बातों में आकर कुछ भी मत बोलिएगा, विवाद से आप दूरी बनाए रखिएगा, विवादों से बचने का प्रयास करें, चाहे घर हो या फिर बाहर हो, वाड़ी कंट्रोल बनाए रखें। अगर ऐसा करते हैं तो मिथुन को आज लाभ होगा। अगर आप व्यापार भाई हैं, कारोबार भाई है, बिजनेस चला रहे हैं, चाहे सिंगल चला रहे हैं या फिर आप साझेदारी में, तो बड़ा लेन देन करने से बचिए। पैक संपत्ति को लेकर जो परिवार में कोई टेंशन था, विवाद था, वह दूर होगा। आज के दिन लाभदायक स्थिति रहेगी, आज खासकर या कोई सकारात्मक परिणाम मिलेगा, समस्या का हल निकलेगा, कुछ ना कुछ यों को गति मिलेगी, और दिखावे के चक्कर में कोई भी काम ना करें, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। और आज यानी ज्यादा दिखावे के चक्कर में धन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो धन और समय दोनों ही बर्बाद होगा। आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा, पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं, कामों में थोड़ी सी अड़चन देखकर या फिर आपकी कामयाबी को देखकर जल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य से काम ले,
मन में यदि कोई विचार चल रहा है, कोई योजना चल रही है, तो किसी भी साथी से, दोस्त से साझा ना करें, भारी व्यक्ति से साझा ना करें। हाँ, अपने जीवन साथी से साझा कर सकते हैं, लेकिन किसी और से ना करें, लव पार्टनर से भी साझा ना करें, तो इसका अच्छा लाभ आप उठा पाएंगे। दूर स्थान से जैसा हमने कहा कि आज धन लाभ का योग बन रहा है और आज आप पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि माता भगवती के प्रथम दिन की शुरुआत है, तो आज जो घट स्थापना है, लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं माता रानी के लिए, और आज हो सके तो व्रत भी रखें, किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। सबको साथ लेकर प्रयास करेंगे। आज किसी काम को लेकर जल्दबाजी में निर्णय ना लीजिएगा और आज अपने व्यवहार को बेहतर बनाए रखेगा। सहयोगियों का आज व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा, धैर्य से काम लेंगे। भूमि भवन विक्रय में आज स्थिति उत्तम रहेगी, माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। आज चलते हुए सावधान रहें, हल्की खरोचें आ सकती हैं। न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं। आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज न छोड़ें। अगर किसी दिन खाना न भी बना सकें तो रेस्टोरेंट में खाने या फ्रोजन खाने से बचें। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना खा सकते हैं। आप स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम दूर हैं। आज आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। हालांकि मामला आगे बढ़ने में आपकी और आपके पार्टनर की कुछ अपरिपक्वता आढ़ढ़े आएगी। अपने पार्टनर के पिछले समय को लेकर असुरक्षित महसूस न करें और अपने बीच में अविश्वास की भावना न आने दें। अगर बहाव के साथ शांति से चलेंगे तो अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। जब लोहा गर्म हो तो उस पर निशाना लगाएं। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए एक महान दिन है। आज आप जनता के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको उसके लिए उच्च भुगतान भी किया जा सकता है। तो आप आगे बढ़े और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए लालायित रहे। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, वे आज पूरी होने वाली हैं। जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे, वे अंततः आज सफल होंगी। इसीलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। आपको अपने भोजन में काफी परिवर्तन करने होंगे। आइए अपने खाने में खूब फल सब्जियां, दूध और लीन प्रोटीन को शामिल करें, क्योंकि ये सब अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आइए आपको यह अनुभव होगा कि आप जिस तरह का गलत खाना खाते रहे हैं उससे आपकी सेहत प्रभावित हुई है। आइए फिर भी खाने में इन बदलावों को लागू करना आपको योजना बनाने से भी कहीं अधिक मुश्किल लगेगा। आइए अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए किसी दोस्त को अपनी योजना में शामिल कर लें। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन का समय चल रहा है। पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और आपने रक्षात्मक रुख अपना लिया है, जिससे आप केवल अपना सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वो समय है जब आपको अपने रिश्ते की गहराई को जानने के लिए अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटने का है। अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर यह आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा। प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रेय लेने में भी आगे रहें। अपने आप को ज्यादा ना थकाएं और कम महत्वपूर्ण विषयों के लिए अधिक मेहनत ना करें। दूसरों को अच्छी ना लगने वाली बातें कहकर उनका दिल ना दुखाएं। आज आप खुशी मनाने के मूड में अधिक रहेंगे, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए
कि अपनी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के चलते आप अपने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। आपको अपनी डाइट और शारीरिक मेहनत सहित सभी चीजों में कमी लानी होगी। लत वाली चीजों जैसे तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनसे आपके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। अगर आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी ढूंढना चाहते हैं तो न ढूंढें। कई बार हम फिल्मों में देखकर अपने मन में ऐसे लडिया डीएचके या लडिया डीएक्यों की तस्वीर संजो लेते हैं, लेकिन सच में वैसे बंदे नहीं हो सकते। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आपकी खोज बेकार है। अगर आप अपनी अपेक्षाओं को जरा कम कर लें तो आपको अपनी रुचि का कोई मिल ही जाएगा। आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाए थे वे अब फल देने लगेंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए विदेश में से किसी के साथ साझेदारी में काम करना पड़ सकता है। आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और हर काम में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। आप मजे मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। आप भावनाओं की बार को अनुभव करेंगे। पुराने दोस्तों या परिचित के सामने आने से खुशी होगी। आज आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह बदल दूं। यहां तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय ले सकते हैं, या आप ताजा फलों, ताजा सब्जियों और मछली से बने सामान्य घर के बने खाने को पसंद करना शुरू कर सकते हो। आप मसालेदार या भारी खाना नहीं खाएंगे। आप अब हल्का फुल्का और साधारण खाना पसंद करेंगे, जिससे आप में काफी ऊर्जा आएगी और आप काफी युवा भी दिखेंगे।